नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बलिया में कजूबा खेल नंबर एक गाड़ी दो। यूपी में ऐसा ही होता है। हम शक्ल इंसानों और जीवों के बारे में आपने सुना और देखा होगा, पर यूपी के बलिया में एक अजूबा मामला सामने आया है, जहां बाइक का नंबर तो एक पर बाइक दो। बलिया शहर में एक मोटरसाइकिल का चालान काटा जाता है, जिसका नंबर अंग्रेजी में लिखा जाता है। चालान की जानकारी जब दूसरी बाइक के मालिक, जिसका वही नंबर हिंदी में लिखा हुआ होता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पेशे बलिया से नवल चिकित्सा तकले सैनी की एक खास रिपोर्ट। जी, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम नीरज कुमार चौरसिया है। मेरे पिताजी का नाम श्री ललन प्रसाद चौरसिया है। मैं ग्राम पोस्तवार कस्बा का निवासी हूँ। जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर, मेरा एक गाड़ी है जो मैं अपने भाई के नाम से लिया हूँ, राजेश कुमार चौरसिया, पुत्र ललन प्रसाद चौरसिया, जो स्प्लेंडर प्लस है, जिसका चालान बलिया शहर में कट गया था 11/2/2021 को। जो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, तो मैंने देखा कि जब मैसेज आया तो उसको चेक करा, उसका जो प्रिंट निकाला तो मैं देखा कि मेरी बाइक है ये नहीं है। वो बाइक सीडी डिलक्स एचएफ का है, जो कि मेरा ही नंबर लिखकर यूज किया जा रहा है। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि ये मेरा नंबर नहीं है? आपका नंबर कैसा था? मेरा नंबर सर, मेरा गाड़ी का नंबर हिंदी में लिखा हुआ है UP60AJ3721, जो कि चालान की गई हुई गाड़ी का नंबर है UP60AJ3721, जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है। अच्छा, यानी आप ही क्या नंबर प्लेट बलिया में भी इस्तेमाल किया जा रहा था? जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मैंने सर, इसका जानकारी के लिए मैंने अपना निकटतम पुलिस चौकी आया, वहाँ पर मैंने इसके बारे में सूचना दिया, तो वहाँ सर बोले कि बलिया से ही होगा, जो भी होगा बलिया का मैटर है। तो मैं थाने में गया, मैं बलिया गया और SP महोदय को अपना एप्लीकेशन दिया हूँ सर, उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में जाँच कर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा। तो यानी कि आपका ही नंबर प्लेट कहीं और भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जी सर, बलिया शहर में HF डिलक्स गाड़ी है, जो मेरा चालान कट गया है उसके साथ साथ दिख रहा है, और गाड़ी भी अलग है, भिन्न है। मेरी गाड़ी स्प्लेंडर प्लस है, और जो गाड़ी का यह चालान कटा है 1000 रुपया का, वो गाड़ी HF डिलक्स है गाड़ी। तो आप कितना हैरान हुए ये देख के? बहुत परेशान हुए हैं सर। उस दिन आपकी गाड़ी कहाँ थी, जिस दिन चालान था? वो मेरी गाड़ी घर पर ही थी। आपकी गाड़ी घर पर थी? चालान कहाँ से कटा था? एक चालान कटा है सर, मेन स्टेशन का सामने कटा है, मालगोदाम रोड बहादुरपुर दिखा रहा है। बलिया पीछे से कटा, फोटो खींच के कटा गया है, जिसमें चालक और जो बैठा उनका फोटो चिन्ह नहीं हो पा रहा है, केवल गाड़ी का नंबर और गाड़ी का चिन्ह हो रहा है, जो कि वो मेरे गाड़ी से अलग है। मेरी गाड़ी स्प्लेंडर प्लस है, वो HF डिलक्स है। सर, सहतवार में एक युवक है जिसकी गाड़ी का नंबर बलिया में भी इस्तेमाल हो रहा था, और उसको जानकारी हुई कि उसका चालान काटा गया है, तो सर क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें एक युवक की शिकायत थी कि उसका चालान जहां कटा है वहां पर वो व्यक्ति गया ही नहीं है। इस पर उसने प्रार्थना पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र पर जाँच की जा रही है। यदि उसके तथ्य सही है तो इससे जो चालान है वो निरस्त किया जाएगा उनका, और इसमें मुकदमा दर्ज कर जो भी व्यक्ति उनकी गाड़ी का नंबर डालकर अगर कहीं इसे इस्तेमाल कर रहा है तो उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ऐसी और भी जांच की जाएगी सड़कों पर, ताकि इस तरीके के लोग जो दूसरों के नंबर का इस्तेमाल करते हैं या गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं नंबर का, उनके खिलाफ एक अभियान भी चलाया जाएगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल, इसका समय समय पर अभियान चलता रहता है, और यातायात जो हमारा कार्यालय है उसमें ऐसी जो भी शिकायतें आती हैं उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, और जो हमारी समय समय पर पुलिस चेकिंग होती है उसमें भी ऐसी गाड़ियों की तलाश की जाती है जो कि गलत नंबर डालकर या बिना नंबर के चलती है, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती है, गाड़ियां पकड़ी भी जाती है। ये समय समय पर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाता जाएगा।